नमस्कार, मैं राजीव सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। देश में कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच जहां देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से सड़कों पर न थूकने की अपील कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया से बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से देश को बचाने के लिए वोट की डिस्टेंसिंग और कांग्रेस के नाम पर थूकने की अपील की है। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में मिली मूर्तियों पर कहा कि जो अयोध्या में हुआ वही काशी और मथुरा में भी होगा। देश में सिर्फ कोरोना का ही संक्रमण नहीं फैल रहा है, बल्कि देश के अंदर राजनीति और वैचारिक संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को देश से बचाना है तो वोट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कांग्रेस के नाम पर थूकना होगा। कांग्रेस को दाद, खाज और खुजली बताते हुए देश के लिए बीमारी बताया। वहीं प्रियंका गांधी के 1000 बसों के यूपी भेजने के विवाद पर ही गंदे आदमी, गंदे स्थान और गंदे नेताओं का साथ छूट जाए तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। ऐसे में अदिति सिंह ने कांग्रेस के पाप का पश्चाताप कर लिया और उनका स्वागत है। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। कांग्रेस से बचने के लिए वोट की डिस्टेंसिंग रखे जनता, राजनीति में उन समय से वोट की डिस्टेंसिंग रखे, उसके नाम पर थूके लोग, तभी जो है देश बचेगा। कांग्रेस कांग्रेस मतलब का बुद्धि लेस जहां है वहां कांग्रेस है। आप क्या उनको किस तरीके से कोरोना की तरह देखते हैं क्या? देखिए, वो कोरोना भी नहीं है, वो सब एकदम से एक तरह से वो क्या कहते हैं, आप नहीं देखते हैं कभी कोई बीमारी वो आ जाती है, दाद खाज है सब, उस सब जो बरसाती वो सब है, वो कोरोना भी कोरोना मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजनीतिक दाद खाज हो गए हैं कांग्रेस वाले। कौन? कांग्रेस वाले, कांग्रेस के लोग जो है राजनीतिक रूप से एक तरह से देखिए तो समाज के लिए बीमारी हो गए, हल्की फुल्की, इसमें कोई दुरा नहीं, बहुत बड़ी बीमारी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हल्की फुल्की बीमारी हो गए। राहुल जी को जो है एक तरह से मैं कहूँ तो उनको सच पूछे तो बीमारी उनका जो है उस बीमारी का इलाज इटली में ही है। हर हफ्ता इटली जो जाते हैं वो अपने बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं। नहीं, क्या है मतलब, डायरिया है, मलेरिया है, हैं क्या उनको, किस तरीके? राजनीति की डायरिया नहीं है उनको, उनको जो है इटली की बीमारी हो गई है। इटली की क्या है, किस तरीके की? अब वो क्या कहूँगा, अब भविष्य बताएगा, इतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो है जरूर भविष्य बताएगा कि इटली साथ एक सप्ताह बाद क्यों इटली जाते हैं। वहाँ बताइए, वहाँ राहुल गांधी जैसा नेता भी अध्यक्ष बन सकता है जिसके पास राजनीति का कहरा जिसको भी मालूम ना हो और उसको भी कोई नेता मान ले, अब उसके बाद जानते क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इट मे बी पॉसिबल दैट इन फ्यूचर कि द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फ्यूचर हो सकता है कि आ जाए ऐसा कोई व्यक्ति कि जो कहे कि मैं इटली का रहने वाला हूं और राहुल जी हमारे पिताजी हैं और वही प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो भी बन जाएगा और कांग्रेस उसको मान लेंगे। जिसके पास राष्ट्रभक्ति न हो, जिसके पास परिवार भक्ति भी न हो, जिसके पास समाज भक्ति भी न हो, वो किसी भी समाज और देश का भला करने वाला नहीं होता है। तो राहुल के पास न राष्ट्रभक्ति है, राहुल के पास न समाज भक्ति है, इन समूह का दो चेहरा है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, जान लीजिए पत्रकार जी, मेरा कह दीजिएगा। ये लोग सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का चेहरा इनका दूसरा है, वो जो है जो भी पीए उनका सिखा देंगे और लिख देंगे वो बोलना चालू कर, जैसे तोता को सिखाया जाता है, राजनीतिक तोता है राहुल गांधी, राजनीतिक तोता है, तोता देखें आप सुगा को, और मान लीजिए वही ना परिवार है तो वही है वो भी तोता है, तो जितना लोग सिखाएंगे उतना बोल के अपना काम कर देगा। कभी कोई कहता है खाट सम्मेलन कर दीजिए तो खाटी पर बैठ जाएगा, कभी कहेगा कि जो है रास्ता सम्मेलन कर दीजिए तो रास्ते पर बैठ जाएगा, कभी कोई कहेगा कि हरिजन के रोटी खा लीजिए तो जो है रोटी उटी अपने टिफिन में बंद करके वहीं जा करके बैठ के खाने लगा। लेकिन कौन इनको ऐसा बोलना सिखाता है? सीखने की क्षमता होगी तब ना, वो लीक करके लोग देते हैं, वो एक तरह से राजनीतिक लीडर नहीं है, राजनीतिक भाषणों का रीडर है, लीडर नहीं है, वो नेता नहीं है, वो जो है एक तरह से पाठ करता है, राजनीति का पाठ कर रहा है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें, अच्छा होता कि राजनीति छोड़ करके बॉम्बे में जा करके ट्रेनिंग लेते तो हो सकता है कि कहीं अज्ञानी का रोल अदा करना हो, सिनेमा में भी अज्ञानी का रोल अदा करना हो तो राहुल जी बहुत बढ़िया बेस्ट रोल अदा कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कई घटनाओं पर, कभी आंख मारना तो कभी ये करना तो कभी विधानसभा में जो है नौटंकी फैलाना, कभी जा करके मोदी जी के गर्दने पर चढ़ जाना,
हमको तो लगा कि कहीं मोदी जी के गर्दने न तोड़ दिए, गर्दन मिलने के लिए जल गया, लेकिन सजग थे हमारे प्रधानमंत्री जी, नहीं तो वो कुछ भी एक्शन, आप देखते हैं मानवीय एक्शन होता ही नहीं। कांग्रेस की जो विधायिका है अदिति सिंह, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से फर्जी नंबर वाली गाड़ियां जो हैं वो आई, अनफिट गाड़ियों का नंबर दिया गया, एम्बुलेंस का नंबर दिया गया, ये प्रवासी मजदूरों के साथ मजाक है, और कांग्रेस और प्रियंका को इस तरीके से मजदूरों का मजाक और राजनीति करने की जरूरत नहीं थी, इस तरीके का कटाक्ष किया था, अब उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए देखिए, मान के चलिएगा, एक कहा गया है कि गंदे आदमी, गंदे स्थान और गंदे नेताओं का संसर्ग जिस दिन में टूट जाए, संपर्क टूट जाए, तो मान लीजिए कि आपका भाग्योदय का शुरुआत हो गया है। तो मेरे समझ से अभी अभी तो अदिति जो है, मान अदिति जो है, अब लगता है कि उसके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में शुचिता का प्रादुर्भाव हो चुका है, और जरूर मैं कह सकता हूँ कि अब जो है कांग्रेस में के कुकर्मों का प्रायश्चित करने का उनका अवसर है, प्रायश्चित कर रही हैं और प्रायश्चित करके उनका स्वागत है, जिस तरह का भाव उन्होंने प्रस्तुत किया है। मूर्तियां मिली, जो शिव की मूर्ति मिली है 5 फुट की, इसके अलावा तमाम खम्भे मिले हैं, देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिले हैं, उससे क्या देखते हैं आप? देखते हैं क्या महाराज, ये हिंदू स्टेट पर आक्रमण करके मुस्लिम आतंकवादियों ने देश के स्वरूप को बदल दिया था, उस देश के स्वरूप को बचाने का काम अब कोई कर रहा है तो मोदी जैसा नेता कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरे समझ से मुस्लिम आक्रमणवादियों के कुकृत्यों का जवाब देने का समय यही है। जितने भी हमारे धर्म मंदिर धार्मिक स्थानों को ये सब विकृत रूप दिए हैं, उनको सुंदर बनाने का अवसर इससे बढ़िया कुछ आने वाला नहीं है। अब मोदी जी कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे, मोदी जी हमारे कर रहे हैं। मथुरा सब मैं कह रहा हूँ, एक नहीं, जहां जावे मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे भारतीय संस्कृति पर आक्रमण करके उसके रूप को बदले हैं, उसका सुधार होना चाहिए, हो रहा है, होगा भी होगा। मथुरा और काशी में क्या होना चाहिए? अब देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा, वही होना चाहिए जो अयोध्या में हुआ है, लेकिन ये भी होगा मोदी के जमाने में, दूसरा कहीं होगा, हो रहा है, आप जाइए देखिए, सब जो है रास्ता बढ़िया, गंगा जी से यात्रा बन गया, परिपथ बन गया, अब क्या चाहिए, हो गया एक तरह से, देख रहे हैं तो हो जाएगा और भी हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि वहां पे भी यही चीजें मिलेंगी? ना का सवाल क्या महाराज, आप लोग देखते हैं विश्व में 51 देश मुस्लिम बाहुल है, मुस्लिम राष्ट्र है, 51 जो मुस्लिम राष्ट्र है मेरे भाई चतुर्वेदी जी, वहां पर किसी को भगवान का फोटो भी पॉकेट में लेकर के चलने का अधिकार नहीं। आज 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 जो है पाकिस्तान की धरती पर हिंदू बालकों के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो कुकृत्य सब मुस्लिम आतंकवादी कर रहे हैं मेरे भाई, शायद इंसान नहीं कर सकता है, शैतान ही कर सकता है। पाकिस्तान में रहने वाले सब शैतान है, पाकिस्तानी सब शैतान का रूप धारण कर लिए हैं, वहां का शासक भी शैतान है।